guys, welcome to another vlog. आज हमारी नाश्ता चलेंगे। तो गाइस स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ चाइना में। ऑलरेडी हमें शेंजन में दो दिन हो गए हैं एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज हमें निकलना है यहाँ शेंजन से गुआंगझाओ के लिए। गुआंगझाओ सदर्न चाइना की सबसे बड़ी सिटी है एंड आई थिंक बहुत ही बड़ा बिजनेस पोर्ट भी है। बहुत सारे इंडियंस आते हैं बिजनेस करने गुआंगझाओ। तो आज हमें निकलना है, अभी दो घंटे बाद हमारी बुलेट ट्रेन है यहाँ से एंड काफ़ी पास है शेंजन से, अराउंड एक घंटे की बुलेट ट्रेन है। बट उससे पहले सुबह सुबह कुछ नाश्ता करके आ रहे हैं। तो ये है मॉल किंग ग्लोरी प्लाजा, सामने बस वो होटल था हमारा एंड ये जो इनका क्रॉस है ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे टोक्यो में शिबुया क्रॉसिंग थी। उतना बिजी तो नहीं है बट इन स्कूटरों ने परेशान किया हुआ है, ये हर जगह घुस जाते हैं। दो मिनट में ओपन हो रहा है मॉल, 9:58 हुए हैं एंड 10 बजे ओपन होता है, तो यहीं वेट करते हैं। एंड हर एंट्रेंस पे इन्होंने ये ऐसा संतरे का पेड़ सा लगाया हुआ है चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए। ये बेकरी देखी थी कल, ये काफ़ी बढ़िया लग रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर बढ़िया सिलेक्शन था एंड जो भी आपको लेना है बस ये ट्रे में लो तो क्रोसों वगैरह सब मिल रहा है। यहाँ शेंजन में बुलेट ट्रेन चलती है इनके नॉर्थ रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ तक जाने के लिए अब टैक्सी मंगानी पड़ेगी एंड ऊबर यहाँ चाइना में चलता नहीं, तो यहीं होटल वालों को बोलता हूँ ये मंगाएंगे टैक्सी। टैक्सी इन्होंने बुला दिया है। एक बार बस मैं यहाँ पीछे ही दुकान है उससे डॉलर चेंज करा रहा हूँ, $200 चेंज करा लेता हूँ। कहीं भी कार्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे, या तो सिर्फ कैश चलेगा या वी चैट या फिर अली पे। तो 1380 RMB मिलेंगे $200 के। तो यार ये बढ़िया लगा कि ऐसे नॉर्मल दुकान पे आके आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, करेंसी एक्सचेंज पे नहीं जाना, हर बंदा डॉलर एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे। शेंजन बे। तो इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को समझा भी दिया है कहाँ जाना है। ये आ गया इनका शेंजन नॉर्थ रेलवे स्टेशन। यार चाइना के रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है। मेन सारी बुलेट ट्रेन यहाँ शेंजन नॉर्थ से ही चलती है। बस अगर आप हांगकांग से बुलेट ट्रेन लेके आओगे वो आपको फुतियान स्टेशन छोड़ेगी बिल्कुल सेंटर में। एंड इस वाली बुलेट ट्रेन की भी टिकट मैंने ऑनलाइन ही करा ली थी, 1100 रुपये की पड़ी, एक घंटे की बुलेट ट्रेन है एंड पासपोर्ट निकालनी है, फिज़िकल टिकट कोई मिलती नहीं। बट यार मुझे लगता है वही होगा, पासपोर्ट स्कैन होगा नहीं यहाँ पर, फिर मैनुअल काउंटर पे जाना पड़ेगा हमेशा की तरह। जापान में तो बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कोई भी चेकिंग नहीं होती थी, यहाँ चाइना में बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह है कि बैग भी चेक होंगे, सब कुछ निकालना भी है आपको एंड यहीं पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा, ताकि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप अंदर ही नहीं जा सकते। स्टेशन पर आप भीड़ भाड़ देखो, इतनी भीड़ भाड़ मुझे लगता नहीं नॉर्मली होती होगी, ये चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से है, हर बंदा अपने घर जा रहा होगा। तो हमारी ट्रेन का नंबर है D3318 एंड ऐसे ये बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, ये जो डेस्टिनेशन है ये चेंज नहीं होती इंग्लिश में, तो आपको बस ट्रेन नंबर से देख के जाना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो डी से स्टार्ट है, तो डी वाली जो बुलेट ट्रेन होती है ये सेकंड फास्टेस्ट होती है, जी फास्टेस्ट होती है एंड इसकी भी हमने फ़र्स्ट क्लास बुक कराई है, इकोनॉमी सोल्ड आउट थी एंड फर्स्ट क्लास सिर्फ 200 रुपये ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि बिज़नेस क्लास यहाँ पर सबसे लग्जूरियस होती है, फर्स्ट क्लास इकोनॉमी जैसी सी होती है, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा लेग रूम मिल जाएगा, थोड़ी सीट्स वाइडर होती हैं। सीरियसली इतना बड़ा ट्रेन स्टेशन है ये कि इसके चारों कोनों पे मैकडॉनल्ड्स बनाया हुआ है। तो अब प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए लाइन लगी हुई है फिर से, यहाँ पे फिर से एक और बार पासपोर्ट स्कैन होगा। जापान का बढ़िया था, बस एक बार टिकट डालो एंड उसके बाद ना कोई चेकिंग होगी ना कोई लाइन लगानी, सीधा प्लेटफॉर्म पर जाओ। तो यार मजाक नहीं, बुरा हाल है, इतना केओस हुआ हुआ है, एक तो बैग भी ऊपर रखने पड़े इतने भारी भारी एंड अभी तक लोग बैठे नहीं हैं, खड़े हुए हैं बस एक जगह पे एंड यहाँ हमारी सीट पे कोई और बैठा हुआ था, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसे समझाया कि भाई हमारी सीट है। एक घंटा लगा यहाँ गुआंगझाओ पहुँचने में एंड यार पूरे चाइना में सर्कस सा मचा हुआ है चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से, यार गलत टाइम चूज़ कर लिया है यहाँ आने का। स्टेशन पे ऐसा ये टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी यहाँ भी इलेक्ट्रिक है बट शेंजन में BYD की थी, यहाँ पे और ही कोई ब्रांड है इनकी चाइनीज़ ब्रांड ही। चाइना में मैंने एक चीज़ नोटिस करी
कि कोई भी गाड़ी में एसी नहीं चलाता, जितनी भी अभी तक हमने टैक्सी ली सब शीशा खोल के रखते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जाओगे एसी बहुत कम जगह चला रखा होता है इन्होंने। फाइनली चेक इन कर लिया है, होटल का नाम है चाइना होटल एंड यार एकदम लग्जरी होटल लग रहा है एंड सिर्फ मैंने 5,500 रुपये नाइट में बुक कराया था। आपको अभी जाके रूम दिखाता हूँ, रूम तो एकदम बढ़िया है जैसा होता है 5 स्टार का, बट बाथरूम में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके टॉवल पे देखो पहले से ही किसी का बाल है अंदर, तो ढंग से साफ नहीं किया हुआ। अभी कॉल किया है इन्हें कि यार 5 स्टार से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते। उसके अलावा ये शावर है, रूम काफ़ी बढ़िया है, बस एक यही चीज की दिक्कत है। So after Ishan talked to the reception, they upgraded us to this suite and it looks amazing. तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि टॉवल के अंदर बाल था, तो मैंने उनको जाके बोला रिसेप्शन पे, तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्वीट में। तो यार अगर आप 5 स्टार में रुको एंड कोई भी दिक्कत है तो जरूर बोलना चाहिए। यहाँ से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ इस वाले रूम से, ये इनका खुद का होटल का टेनिस कोर्ट है एंड इस वाले का बाथरूम दिखा देता हूँ, उस वाले से बड़ा है। इस वाले में भी बाथटब है, सेपरेट शावर। ये शायद इनका 10-12 हज़ार का रूम है, जो मैंने कराया था वो 5.5 का था। इन स्वीट की ये भी बहुत बढ़िया चीज़ लगी, ये जो टीवी लगाया हुआ है, या तो आप ये बेड पे बैठ के देख सकते हो, बट अगर आपको काउच पे देखना है तो ये ऐसे रोटेट हो जाता है। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आपको दिखाऊँगा गुआंगझाओ सिटी एंड ये सिटी क्यों फेमस है। तो अब निकले हैं फाइनली गुआंगझाओ एक्सप्लोर करने एंड जैसे शेंजन फेमस था अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, गुआंगझाओ जो सिटी है इनकी, ये फेमस है यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जितने भी सारे कपड़े बनते हैं मेड इन चाइना, वो सारे गुआंगझाओ में बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। तो दो चीज़ों के लिए मेन गुआंगझाओ जाना जाता है, एक मैंने आपको बता दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड दूसरा है कि गुआंगझाओ है बर्थ प्लेस कैंटनीज क्विजीन की, क्योंकि चाइना में आपको बहुत सारे डिफरेंट क्विजीन्स मिलेंगे। विद इन चाइना ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चाइनीज़ क्विजीन होते हैं एंड जो हम इंटरनेशनली खाते हैं वो कैंटनीज क्विजीन होता है एंड उसकी बर्थ प्लेस ये गुआंगझाओ सिटी है। इसे कलिनरी कैपिटल भी बोलते हैं चाइना की। सो आर यू रेडी टू ट्राई सम ऑथेंटिक कैंटनीज क्विजीन? Yeah, sure. And I think in China it's just like in India. I mean that you have this variety of different cuisines within one country. Right. Right. Yeah. Because in India, if you will go to the north, you will find completely different food than in the south. Right. जैसे India में भी same है कि अगर आप south India जाओगे तो बिल्कुल different खाना है, हर state का अपना खाना होता है। Same China में भी है and बाहर जब भी आप Indian restaurant जाते हो Europe में US में, वो नॉर्थ इंडियन खाना सर्व करते हैं मोस्टली। ऐसे ही सेम चाइना में है कि जो कैंटनीज़ क्विजीन है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल है, तो बाहर जब भी आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट विजिट करोगे वहाँ पे ये कैंटनीज़ क्विजीन ही मिलता है एंड हर जगह हुई हुई है ये चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन। तो आज हमें 3-4 मेन चीज़ें विजिट करनी है यहाँ गुआंगझाओ में एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ की बायमा क्लोदिंग मार्केट एंड यहाँ गुआंगझाओ में ठंड थोड़ी बढ़ गई है, जैकेट पहननी पड़ रही है। शेंजन तक ठीक था वेदर एंड अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। एंड आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ इस सिटी के। सबसे पहले तो ये सदर्न चाइना की सबसे बड़ी सिटी है एंड कैपिटल है इनकी गुआंगडोंग प्रोविंस की एंड 3 बार चाइना की भी कैपिटल रह चुकी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में से एक है चाइना के लिए, क्योंकि गुआंगझाओ बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, जैसे हांगकांग बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है चाइना के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा शिपिंग होती है एंड यहीं गुआंगझाओ में लोकेटेड है चाइना के कैंटन टावर। एक टाइम पे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग होती थी एंड चाइना की अभी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो भी विजिट करेंगे। रास्ते में ये एक और होलसेल मार्केट आई है, ल्यू हुआ फैशन होलसेल मार्केट, बट ये तो पूरी बंद पड़ी है, ए टू जेड सारी दुकानें बंद है। ये नहीं पता कि जल्दी आ गए हम या फिर चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से बंद है। तो मैंने सुना तो था कि ड्यूरिंग चाइनीज़ न्यू ईयर चाइना बंद हो जाता है, बट ये नहीं पता था कि मार्केट भी सारी बंद होती है। ये पीछे वाला जो मॉल था ये तो पूरा बंद पड़ा था एंड जिस मार्केट हमें जाना है बस वो सामने है, अगर वो भी बंद हुई तो गुआंगझाओ आना वेस्ट हो जाएगा। तो ये आ गई इनकी बायमा क्लोदिंग मार्केट, किस्मत अच्छी है ये पूरी खुली हुई है, वो पीछे वाली ही बंद थी। पूरे वर्ल्ड की आप कह सकते हो कि सबसे फेमस होलसेल क्लोथिंग मार्केट है, बाहर भी सारी स्टॉल लगी हुई है बट मेन मॉल के एंट्रेंस यहाँ सामने से है। टोटल मॉल के अंदर 9 फ्लोर हैं एंड उनमें से 8 में क्लोथिंग मार्केट है एंड लिखा हुआ है कि कौन से फ्लोर पे वोमेंस है कौन से फ्लोर पे मेंस है। जितनी भी ये सारी दुकानें हैं सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। अगर आपको बल्क में डीलिंग करनी है इस मॉल के अंदर 2000 से ज़्यादा स्टॉल हैं एंड अगर पूरा आपको डिटेल में घूमना है तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए। एंड इस मार्केट में जितनी भी ये सारी ब्रांड है
सारी खुद की इनकी ये चाइनीज ब्रांड्स ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कॉपी ज़्यादा बना रहे हैं। मुझे लगा था कि फेक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, बट अभी तक कुछ खास फेक मुझे सामान दिखा नहीं। जैसे शेंजन में ए टू जेड सारा इलेक्ट्रॉनिक्स था, यहाँ पे आपको कपड़ों में सब कुछ मिलेगा। एंड ये जो मार्केट है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले 10 गुना प्राइस बताएंगे फिर आप नेगोशिएट करो, पहले ही इन्होंने फिक्स प्राइसेस लगे हुए हैं। Also, I think it's kind of like a misconception that everything in China is cheap, because yeah. that is not true. They also have their like premium brands and brands that are expensive. So it's not like everything here you will get for a cheap price. Because it's good quality. Yeah, obviously. But this is what you think about Chinese yeah. products, that they are low quality and cheap. And it's not like that. India mein sabse bada misconception hai ki Chinese saman hoga to gandi quality ka hi hoga. यहाँ पे आपको हर क्वालिटी मिलेगी। तो ये है सामने चाइना का कैल्विन क्लाइन, सेम फॉन्ट में लिखा हुआ है। यहाँ चाइना में लोगों को भीड़ से डर नहीं लगता। अभी हम लिफ्ट लेके नीचे आए, सही बता रहा हूँ एटलीस्ट 20 बंदे घुस गए थे लिफ्ट में। When I thought it was full, I think like 5 more people came in. तो इस एरिया में टोटल 3-4 कपड़ों के मॉल है। ये वाला पूरा घूम लिया है, बायमा गारमेंट मार्केट, काफ़ी बढ़िया जगह थी।